So एक, ये। एक होता है पता है पता जो पंडित होते हैं क्रिश्चनों के वो ना उस पे होता है स्टेज पे पेडी है ना फादर होते you... हैं। अबे फादर जो भी है, मैं लो वो प्रीच कर है, oh! और, और लोग ने ऐसे हैं <laughs> <laughs> कह रहे भाई कह रहा है मेरा हाथ मेरी मुड़ नहीं रही अब मैं उंगलियां मोड़ सकता हूं मेरा ओह माय गॉड अगर तुमने नहीं देगा ये नहीं देखा ना गाइस मेरा यस यस वाला हो okay? <laughs> गया पता तेरी बहन पहले भूल नहीं सकती थी और अब बोल बोल गई मेरा यस ये मेरा ये, ये, मेरा ये। <laughs> दो चश्मिश पॉडकास्ट <laughs> हेलो 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 वेलकम टू दो चश्मे स्पॉट कैस एवरीबडी आई एम शिवम और मेरे साथ है बिल्कुल ही नॉन एंथुजियास्टिक आशी शर्मा विद अस व्हाट यू मीन नॉन एंथुजियास्टिक मैंने पीस साइन बनाया विक्ट्री साइन बनाया है तो भाई पॉडकास्ट पे दिखता थोड़ी ना भाई सुनाई देना और चाहिए सुनाने वाला होता ना अच्छा तो बता तो दिया विक्ट्री साइन बनाया तो इट मींस आई एम ब्रो क्या बात कर रहे हो अर्ली मॉर्निंग शूट्स शूट्स अर्ली मॉर्निंग क्या भाई मैं तुमको बोल रही हूँ जिस कुत्ते कमी ने आराम जाती कमी ने आराम जाती या फिर ही शी दे वे जो भी है जिन्होंने भी जिन्होंने भी नज़र लगाई है ना मेरे मुंह के सामने तुम्हारे खींच खींच के थपेड़े मारूंग मैं मैं बता रही हूं भाई हिम्मत है तो सामने आके बदतमीजी करो ये हमारा दिन खराब करना हमारा हफ्ते खराब करना बंद करो आई एम सो डन विद दिस फ्रिकिंग शिट किसको आग लग रही है भाई नहीं है मेरी लाइफ में खुशी है तुम किस पे नजर लगा रहे हो तो पहले देख तो लो हम खुश है कि नहीं है किसको बोल रही है भाई जिनने भी नजर लगा वो, लग वो लग क्या गया लेकिन हुआ क्या भाई कल भी मची जा रही है इतनी माइनर जो मेजर जा रही है ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है ओ, मैंने लास्ट एपिसोड एपिसोड में में भी भी बोला था मेरे साथ भी इस episode कुछ। में बोलूंगी मैं बोल रही फैल रहा है यार अभी लिटरली सुबह सात बजे से गर्ज इन द मॉर्निंग एक तो मैं हूं नहीं मॉर्निंग पर्सन बट मैं अपनी तरफ से इतना ज्यादा एफर्ट ले लिया थिंक तो सबसे पहली तो ये मेजर इनकन्वीनियंस है कि मैं मॉर्निंग में उठी हूँ ठीक है चलो ठीक है इग्नोरिंग दैट दो-तीन दिन, दिन से तो वैसे भी नींद नहीं पूरी हो रही सुबह उठते पहले तो मैंने दो दवाइयाँ ली हैं सर फटने को हो रहा था मेरा ठीक है विदाउट हाँ अब अब फटी तेरी कुछ खाने पीने नहीं दे ये मेरा खाना पीना बैन कराता ऊपर से मैं, खा मैं करा तो, के बीच में मैंने कहा शो तो, के बीच में मत शो हाँ, तो कर के ले बीच में तो लोगों को दिखता थोड़ी है अब फटी बट एनी वे गाइज एनी वे प्रॉब्लम ये हुआ कि सेटअप कर रही थी मैं आई डोंट नो कोई शॉर्ट सर्किट समथिंग हुआ मेरी जो लाइट थी स्टूडियो वाली उसका शायद वाइट बल्ब खराब हो गया तो मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया उस चीज़ की वजह से ऊपर से जो मेरा ये सेटअप था कैमरा वाला सेटअप उसकी उसमें कुछ एक्टिवेशन की जो है वो मेरी डिलीट होगी जिसकी वजह से मैं आगे की सेटिंग्स नहीं कर पा रही तो इतना ज्यादा एक घंटा वेस्ट हो गया इस चीज के अंदर और ये माइनर है कहने को लगेगा तो इतनी छोटी सी बात है क्या हो गया चल तो रहा है शो तो आ रहा है यार तुम्हारा लाइट तो चल रही है ऐसा नहीं इतनी मुश्किल होती है भाई उसमें सेट करना पड़ता है सब कुछ और वो मिल नहीं रही है तो आगे भी आने वाली चीजों में दिक्कत हो रही है it's, it's so annoying, I don't know. And का तो I पूरा दिन ही कल का बर्बाद मैं वैसे एक बात ये इतनी सही चीज होगी बट लाइक जो सबसे बड़ी बात है ना, शी इस बात में तो दिन खराब गया तेरा एक घंटे का था मेरे तो पूरा दिन का हुआ ना आश यार

हाय मैं लेट तो नहीं हो गई ना ब्रो यस <laughs> तू लेट हो गई है ठीक है उसके बाद ना और मेरा ना अच्छा अब तक ना मेरा बिल्कुल मैंने ना सोचा था इसको मैंने बोला भैया मैं अपना टाइम मैनेज कर लूँगा उस हिसाब से ताकि मैं घर वाले काम कर करूँ मस को रखा तू ओ, है, तो बड़ी मीटिंग है, जानी है दे, 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 से इतनी देर से अगर कोई बंदा वेट कर रहा होता तो एक कॉल करता है की नहीं करता है कॉल भी नहीं मुझे लगा तू सो गई फिर से मेरे को क्या पता तू यार एक बात बताओ मैं सोकर उठी हूँ और मैं में डिनर बनाने जा रही हूँ फिर से सोचूंगी मैं मैं बेवकूफ हूँ मैं रसोई में खड़े खड़े सो जाऊंगी मैं क्या हूँ मैं तेरे को यार इसको सुबह सात बजे उठना था

भगवान ने बोला बहन के माफ करो सबको ठीक है तो मैं तेरे को माफ किया यार टेंशन वाली बात आया, नहीं ठीक है आगे बात कर चलो और क्या उसके बाद भाई साथ? मैं घर से निकला निकलूँ और घर से निकल अच्छा नाउ दिस आई नो यू वुड से दिस फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम बट मैं घर से निकलूँ यार मेरे एयरपोर्ट में बैटरी नहीं थी यार

भाई भाई तो वो भाई फिर उनको वापस हाँ, आना तो पड़ा आई वाज कॉल विद इसका इतना सड़ेला <laughs> गड़ेला सा मुंह बन गया इस चीज़ पे कि इसके में बैटरी नहीं है मैंने कहा okay. तो बहुत बाद उसके मैं घर आया मैंने बैटरी चार्ज करी दस मिनट और

ज्यादा चोड़ नहीं अपनी <laughs> खोस साड़ी का एक्सेंट खोस गाइस यू नो साढ़े का एक्सेंट खोस गाइस <laughs>

अब ना एयरपोर्ट भी ले लिया और मैंने जस्ट इन केस क्योंकि दस मिनट चार्ज किया था तो ज्यादा बैटरी नहीं थी तो जस्ट इन केस उसकी बैटरी खत्म हो जाए तो मैंने ना अपने नॉर्मल वाले जो ईयरफोन्स होते ना वो भी उठा लिया डोंगल जो आईफोन वाला डोंगल होता है

यार now this will sound so bad, but, अब साउंड सो बैड बट अब क्या ना कि इतनी सही चीज खराब चल रही है ना वो हमें डिसाइड करने ठीक है इतनी सही चीज खराब चल रही है बाहर निकला पहले तो मेरे तो को ठंड लग रही फिर मैं कोट, मैंने विंटर कोट उठाया और फिर कोट में गर्मी लग रही है और ठंड लग रही है वहां पे क्यों क्योंकि हमें तो कि कोट पहन के गर्मी ज्यादा लग रही है

और मैं नीचे खाना खाने गया तो आशीर्ती हूँ भाई मैं तो जा रही हूँ और मेरे को अकेला खाना खाने का मन नहीं था नहीं गाइस मनवाइडन बॉडी पहले गया एंड वहां पे ना अब मेरा इतनी देर से ना मन नहीं है घर से बाहर निकलने का और मेरे को बाहर निकलना पड़ रहा है और ठंड लग रही है और फिर गर्मी लग रही है और फिर ठंड लग रही है एंड लाइक आई वॉक टू द मॉल की भाई चल ठीक है मैं वॉक करके जाता हूँ वहां पहुंचा पहुंच गए हाँ मैं पहुंचा उसका फिर मॉल में भी वो थर्ड फ्लोर पे है बाथन बॉडी वर्क्स तो मैं नीचे से ऊपर तक चल के गया कि भाई चल जा तो एस्केलेटर नहीं थी मतलब एस्केलेट हां पर चलना तो फिर भी पड़ता है ना ब्रो ओ, तो ओ, व... एस्केलेटर तक चलना पड़ता है हाँ। हाँ अभी ये देखो संडे और मैं मेरा इतना मन था घर में हफ्ते से काम कर रहा हूँ रिलैक्स वाला चाहिए था तो तू अपनी मर्जी से घर से बाहर निकला था आई नोट आई नो बट मैं वहां पहुंचाऊँ और बाथरूम और सारी दुकान खुली है मॉल में सब कुछ खुला हुआ है तो नहाने होंगे वो बहन की दीदी यार अपनी बॉडी पे वर्क करने गए होंगे <laughs>

तेरा इस टाइम पे जो बिहेवियर है, like है तो मेरे साथ में में क्या, क्या हुआ था मैं बहुत छोटा था मतलब अराउंड मैं सात आठ साल का है और ना मैं दादा की दुकान तक जाता अच्छा दादा की दुकान फॉर ऑल दोज पीपल हु दादा की दुकान हमारे घर के पास में एक दुकान थी जहाँ पे एक अंकल काम करते थे और वो दादा भी नहीं थे वो एक नॉर्मल अंकल थे लेकिन वो थोड़े बूढ़े लगते थे क्योंकि मुँह पे अंकल थे तो हमको दादा थे <laughs> <laughs> नहीं हम उनको दादा बुलाते थे पर रेंडमली नो रीजन वाई वो पूरी गली उनको दादा बुलाती थी तो हमने उनका नाम रख दिया दादा की दुकान एनी वे तो एक बार मैं दादा की दुकान पे जा रहा था और मतलब जा नहीं रहा था मैं बेसिकली ना गली से कहीं तो कहीं जा रहा था और मैं एक पिलर के पास ना खड़ा हुआ था ठीक है और uh, मेरे हाथ मेरे पास शायद मम्मी का फोन था या कुछ तो था या कोई फ्लायर था मैं कुछ पढ़ रहा था फ्लायर पर कुछ तो था और एकदम से नीचे देखा मैंने पाँच सौ का नोट पड़ा हुआ है ना उसको एक फोक ब्रो पाँच सौ का नोट भाई मैंने उठा लिया मैंने उठा लिया से मैंने भाई पांच सौ रुपए का नोट है और मैंने घर में किसी को भी बताया कि मेरे का नोट है किसी को भी बताया मैं चुपचाप अपना वो नोट लेके गया और सबसे पहले मैंने फन फ्लिप्स खरीद लिए कम से कम तो पचास रूपए के ठीक है फिर मैं चॉकलेट खरीदी पूछने वाली नकली चूरन नोट नहीं था वो असली नहीं नहीं असली नोट था ब्रो असली नोट था हाँ और मैंने भाई पहले तो फनफिल्स कर पचास रुपए के फिर मैं डेरी मिल्क खरीदली वो जो तब महंगी वाली आती थी तब उस टाइम पे पता क्या होता था एक डेरी मिल्क आती थी जिसका ना पूरी चॉकलेट होती थी लेकिन बीच में एक कैरेक्टर होता था डिज्नी का वाइट कलर का आ, बहुत पहले बहुत पहले I आती know, थी भाई वो आती थी बीस तीस रुपए की मैंने एक वो खरीद ली बड़ी वाली उसके बाद मैंने बाकी चार बचा के रखे अच्छा उसी दिन फिर शाम दोपहर को क्या नाम है मैंने छोले कुल्चे वालाया बीस रुपए के वो खा लिए भाई भाई को खिला दिए मैंने विनय को बोला कि भाई विनय क्या खाएगा बताओ भाई जो तू खाएगा वो वो दिला दूंगा तो को टेंशन वाली बात नहीं है तेरे भाई का बहुत पैसा है भाई उसने दो तीन चीज़ें बोली उसको वो खिला दी भाई हम बाहर गए भाई बाहर दोस्तों को पार्टी दे दी भाई मेरे को लास्ट में मेरे पास बचे अब अराउंड सौ या डेढ़ सौ जो मैं सोचा मैं बचा करूँगा डेढ़ सौ रुपए और मैं सा, बाकी सारे खर्च कर चुका हूँ और रात को पापा घर आते हैं और पापा मुझे कहते हैं कि शिवम जो तुझे सुबह मैंने पाँच सौ का नोट दिया था वो कहा है मैं तेरे को कुछ काम दिया था उस What? लाने के लिए ठीक है कुछ What? कुछ उन्होंने बोलते हैं कि कुछ काम कर दियो और मेरे को पता रियलाइज हुआ कि वो जो पांच सौ नो, नोट नीचे गिरा होता ना वो मेरी ही जेब से गिर रहा था पापा ने मुझे किसी काम कर दिया था और मैं भूल गया कि मेरे को पापा ने किसी काम से दिए वो पैसे वो मैंने पूरा दिन इंजॉय कर लिया भाई पूरा दिन ऐसे हो गया भाई पार्टी पार्टी और मेरी शक्ल ऐसी होगी ओह oh शिट आपने तो मुझे किसी काम की से पैसे दिए थे फक ओ मैं बिल्कुल भूल भाई क्योंकि मेरे को इतनी खुशी होगी ना 500 जो एक्स्ट्रा मिल गए मेरे को मेरे को लगा पापा गांव में कल करा लेंगे कोई दिक्कत नहीं हूं मैं भूल गया उन्होंने wow. मेरे को पैसे भी दिए थे तो आई थिंक जो मेरे साथ आज so हुआ है ना ये उसका मेरा वो है ये कर्म आज वो है बैलेंस आउट हुआ है मेरा आज <laughs> but this is so bad, bro. this is is so so bad bad bro bro or how how dumb can can you 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 be like how can you forget that had rupees जो पापा के पांच सौ रुपए थे वो तो मैं घर पे छोड़ के आया था और मैंने कहीं पे रख दिए थे तो दिमाग घर पे छोड़ के आया था तू मैं तो तक वो बता रही हूँ वो उठाया कर भार 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 रस्ते में से फिर

But, <laughs> अब इसको पता है कि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है और मेरा पूरा आज का जो कल का दिन था वो बहुत ही ज्यादा होता कल भी मैं बहुत जल्दी उठी थी मुझे कहीं जाना था काम से तो मेरा ऑलरेडी बहुत हेड वगैरह हो रहा था और रात के ऑलरेडी डेढ़ बज चुका है मैं डेढ़ बजे तक बात कर रही हूँ सर मुझे अर्ली मॉर्निंग सेवन उठना था तो मैंने इसको बोला था कि हाँ मैं सोने जाऊँगी अभी तो फिर इसका उसमें भी मुंह चढ़ गया कि यार ये जल्दी जा रही है मैं तो सोचा था इट्स लाइक यू आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज द सिचुएशन एंड अगले दिन मॉर्निंग में उठ के भी तेरे से ही बात करनी है और अपने ही काम के लिए भाई वो करने इट्स नॉट इवन लाइक मैं कहीं और जा रही हूँ अपने मजे करने जाने मुझे तो इसलिए मैं तेरे तेरा प्यारा वाला टाइम कट करके अपनी हैप्पीनेस uh, को फुलफिल कर रही हूँ उसके बाद भी इसका मुंह सड़ गया फिर मैं उसमें इसको ये से बोल रही हूँ कुछ नहीं होता चल खा ले खाना ये वो नहीं कुछ नहीं करना सड़ गया तो सड़ गया मतलब सड़ गया तो तूने जो एक्स्ट्रा टाइम है वो भी वेस्ट कर दिया फिर मैंने कहा ठीक है यार होती है ना उसे पता होता इतना भी कुछ नहीं होता बातें मत बना ठीक है ये पॉडकास्ट का तेरा अकेले का नहीं है हम भी बोल सकते हैं ठीक <laughs> है हम <laughs> झूठ ना किसका पकड़ा <laughs> जाता है भाई मिनट से पहले <laughs> तेरी पे दिख रहा है भाई झूठ बोल रही है दिमाग खोस साड़ी का दिमाग एपिसोड खोस। <laughs> खोस का नाम यही रखने वाले हैं क्या नहीं तुमको पता खोस मतलब क्या होता है ये होता है छीन मतलब तो दिमाग छीन साड़ी का पर साड़ी के बाद दिमाग ही नहीं है

अप, अपनी कंट्री में वो तो हाँ. जी 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 रुक 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 जा रुग जा एक हाँ. जा मेरा पॉइंट ये है कि गाइस जैसे हम बुराई नहीं करते बट जैसे हमारी जैसे हमारी जैसी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है तो क्या हो रहा है ना हमारे अपने भी जुड़ते जा रहे हैं उनको भी लगता है यार इतने दिनों से बोले जा रहे हैं देख लेते हैं फिर उन्हें मजे आ जाते हैं विच इज अ गुड थिंग आई एम वेरी हैप्पी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग बट क्या हो रहा है कि हमारे पास ना कैंडिडेट्स अब कम हुए जा रहे हैं जिनकी हम यहाँ पे आके बातें बताते हैं या फिर जिनके हम सीक्रेट्स खोल देते हैं जब वो कहते हैं किसी को बताना तो हम ऐसे करण नाम लेके किसी की भी बात बता देते हैं ये भाई आशी अभी मैंने ना

<laughs> मैं सोच रही लू कि हमें कंसेंट फॉर्म साइन करवा ले लोगों से कि हम तुम्हारी तुम तो हमें सीक्रेट्स बताओ पर हम लोगों का को कोई गारंटी नहीं है कि हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे नाम बदल देंगे पक्की बात है आइडेंटिटी बदल देंगे पर हम उसको डिस्क्लोज कर देंगे इन अ फनी वे तो हम ऐसे कंसेंट फॉर्म साइन करवा लेते हैं अपने रिलेटिव और अपने दोस्तों के साथ क्योंकि ऑब्वियसली और खुद की तो हम करते ही हैं ऐसी बात तो है नहीं कि हम खुद की नहीं कर रहे तो इट्स लेट्स कॉल इट इवन हाउ अबाउट दटर कर कर लेना कि भाई कि हम तो फाड़ेंगे भाई तुम्हारी फट गई तो तुम सिलवा लेना बाद में मतलब ये तो होता ही है भाई फाइंडनेस में मुझे कुछ याद आया भाई बहुत गंदा तेरे को पता है तीन लोगों ने इंडिया में एक छिपकली का रेप कर दिया एक मॉनिटर लिजर्ड एक बहुत बड़ी लिजर्ड होती है उसका रेप कर दिया ब्रो थैंक गॉड बड़ी लिजर्ड होती है मैं तो ये सोच रही छोटी लिजर्ड का किया कैसे इन्होंने ओह माय गॉड यू आर थैंकिंग गॉड कि भाई यहां बड़ी लिजर्ड ही होती <laughs> ने, है नहीं नहीं नहीं

देखिए वो गोट रेपर था वो अपनी सारी गोट्स का रेप करता था एक बंदे का हमने देखा नहीं था वो ठीक है गोट शीप यार डीज पीपल मेक सेंस एक जगह पे आप आके कैमल वैमल पे भी आप चल वो इतना मेक सेंस hmm. नहीं करता बट स्टिल लाइक यू कैन लाइक थिंक या फिर होर्स या फिर मतलब ये समझो यू कैन थिंक अबाउट दोज कि चल ठीक है ऐसे हो सकता है प्रोबेबली और सोच कि डू यू थिंक कि अगर रेप्टाइल सेक्स करो तो दे वुड बी डाउन फॉर अ ब्लो जॉब

भाई एक तो दिल्ली में इतनी कुत्ती गर्मी हो रही है ना मैं बता नहीं सकती हूँ तुमको सच्ची में मैं दुखी हो गई हूँ ये फोर्टी वन डिग्री कोई टेम्परेचर होता है भून दो फोर्टी वन डिग्री फोर्टी टू डिग्री, 42 oh, डिग्री ऐसे ऐसे जाता है इतना इजीली ना मौत आ रही है उन <coughs> लोगों को भून रहे हैं हम चल चलते चलते भून रहे हैं हम बट एनी वे परसों मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड आई आपने आई थिंक उसका नाम पॉडकास्ट पे कई बार ही सुना होगा गुन्नू आई थी मेरे घर पे ठीक है तो ना अब यार ना लास्ट ये लोग ना शिफ्ट हो गया एक्चुअली हमारी गली में रहती थी वो पहले हम बचपन से साथ ही थे वहाँ खेले कूदे वटेवर बट वो भी शिफ्ट हो गए हैं तो वो इसलिए वो थोड़ा सा कम आती है ओब्वियसली क्योंकि दूर शिफ्ट हो गई है थोड़ी सी तो एक महीने बाद आई अराउंड वो मैंने कहा आ जाए भाई हैंग आउट करते हैं तो आई एंड ना हमने काफ़ी सारी बातें करी चार पाँच घंटे आराम से चिल मारा खाया पिया तो ना एक स्टोरी बताई उसने भाई कहती कि ना हम ना अपने पापा लोगों की बुराई कर रहे थे मम्मी पापा की कि पेरेंट्स कितने मतलब हमारे को नहीं समझ रहे हैं आजकल के सो द थिंग इज़ कि ना कहती कि हाँ मेरे पापा से भी यही लड़ाई हुई थी कि ना मैंने पापा को बोला कि पापा गाड़ी ले लेते हैं तो ना मैंने कहा यार हम भी अपने पापा को बोल रहे कि गाड़ी ले लेते हैं तो ना हमारे पापा तो मना कर देते हैं कहती नहीं nah, यार मैंने अपने पापा को बोला गाड़ी ले लेते हैं तो उन्होंने बोला हाँ ले लो तो कहती मैं तो खुश हो गई कि यार मेरे पापा ने ये चीज़ बोल दी तो ना कहती मैं गाड़ियाँ वाड़ियाँ देखने लग गई वो वहाँ पर उसने सारा रजिस्टर वगैरह कर दिया यहाँ से उनको यू नो डील्स वगैरह पता चलती है कि यहाँ से ऐसी गाड़ी आ रही है इतने सस्ते में आ रही है सेकेंड हैंड लेनी थी बेसिकली ठीक है तो वो पूरी पूरी देख रही है कहती बहुत अच्छी डील भी मिली मुझे गाड़ी की एंड ना मैंने कहा यार ये तो बहुत सही लग रही है अराउंड ढाई लाख की मिल रही थी शायद इनको ढाई लाख की गाड़ी हाँ सेकेंड हैंड गाड़ी जितनी अच्छा, की सेकेंड हैंड okay, 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 हाँ।, हाँ मिल जाती है हाँ। <coughs> तो ना ये गई अपने पापा के पास कहती पापा ये देखो ये गाड़ी कैसी लग रही है इसके पापा कहते बढ़िया लग रही है ये तो अच्छी लग रही है कहती ले ले कहते हाँ तो कहती कि फिर मतलब कैसे करनी है पेमेंट कह रहा है उन्होंने बोला मुझे क्या बोल रही है तुझे करनी है ना पेमेंट तूने खड़ी तूने तूने बोला गाड़ी लेनी है तू लेगी तू देगी भाई क्या थी मैंने oh, इतना रोई उस दिन मैं इतना कलेश किया कि मैंने उसे आज तक कुछ नहीं मांगा मेरे को ऐसे बोल रहे हो एक मैंने आपसे पूछा उस चीज के लिए कहता हूं सॉरी कहते था? कि भाई आपसे आप कुछ नहीं वो लड़ाई हो भी जा रही है मेरे भी मेरे पापा को कि क्या बोल दिया भाई <laughs> उसके बाद <पार? laughs> भाई पापा मेरा चाबी खोश साड़ी की हाँ? <laughs> <laughs> भाई उस कहती कि ऊपर से ना मेरे से लड़े जा कह रहे कि तू गुन्नू ने ने बोल दिया कि भाई मैं ना आपको एक दिन गाड़ी लेके दिखाऊंगी फिर आप देख लो ना आप इतना ज्यादा बन रहे हो ना कहते हाँ जा ले ले तेरी गाड़ी में बैठूंगा मैं नीचे यहाँ <laughs> ये क्या हो गया भाई ये कहा चले गए भाई बहुत दूर चले गए उनको रोक गॉड <laughs> oh भाई रोक लो उनको कोई यार

तो पैसे दो लेके आ अपना जो बेस लेके पैसे अपने ले भाई खाना लेके आओ हद तो होगी भाई ये तो भाई हर चीज में बोलते भाई घर वाले ये तो मेरे पापा भी अब ऐसे ही हैं यार हर एक चीज में कि अपना अपने अपने खर्चे ना खुद संभालो मैंने कहा आपसे मांग कौन रहा है वैसे पहली बात तो आप दे भी नहीं रहे हो कुछ आपसे मांगो तो 600 तो आपके सवाल होते हैं हर एक चीज के अंदर मेरे पापा का तो

मेरे को नहीं पता कि मतलब मेरा कहने जो पर्पज था वो था कि, मेरा था होता है कि मैं इंटरटेनिंग हूँ बट मैंने जैसे हिंदी में उसको किया कि भाई वो तो कुछ अलग ही मीनिंग बन गया मेरे को इतना अजीब सा फील हो कि मैंने क्या बोल दिया अपने बारे में तू यहाँ पे आके बक दिया मैं इस बंद के वास्ते लिकल। एक भी नहीं है कुछ भी बोलूँ सच्ची बदतमीज हम तो फाड़ेंगे आपकी फट जाए तो सुलवा लेना ठीक है भाई दपड़, दपड़ anyway, भाई भाई ये तो हमारा रूल है है तेरे मुंह पे मारूंगी मैं क्या सीन है? उनको बोल दो ना गाड़ी लेने तुझे दिलाओ, 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 दिलाओ दिलाओ, दिलाओ, दिलाओ। अभी हमें कहीं अपनी नानी के घर जाना था ग्यारह बजे से कैब बुक करनी शुरू करिए कैब वालों का तो मुझे अलग से पर्सनली एक ना ऐसी बड़ास निकालनी है मैं क्या बताऊँ इन कैब वालों ने ना ऐसा एटीट्यूड दिखा रखा है भाई दुनिया में कोई इतना एटीट्यूड वाला बंदा नहीं है जितने कैब वाले हो गए आज तक इतने ज़्यादा बदतमीज़ इतनी ज़्यादा हराम इनकी एहसान कर रहे हैं कि हम पे पहली बात तो पैसे हम दे रहे है। तुमको तुम हमको नहीं दे रहे हो ठीक है गाड़ी ले ली तो तुम्हारे अंदर अलग ही चोट आ गई है भैंस की आ गई और तुमको तमीज़ ही नहीं है कि कोई पैसेंजर है इंसान है उसको कहीं जाना है कहाँ जाना है मैडम स्पेशली फोन करके पूछेंगे फिर मुंह पे कैंसिल कर देंगे क्यों कुछ हो तुम जब तुम्हें जाना ही नहीं है भाई इनकी प्रॉब्लम मेरे को ना सबसे बुरी चीज ये लगती है देखा अगर तो तुम्हें कहीं पे जाना है वो पूछेगा कि मान ली मेरे को अपने घर से पंद्रह बीस मिनट आधे घंटे की दूरी पर जाना है तो कहां जाना है ये तो बहुत पास है इतना तो मेरा बिल ही नहीं बनेगा मेरे को नहीं जाना कट कर दिया फोन अगर हमको जाना है कहीं दूर के भैया हमें बवाना जाना है एक डेढ़ घंटे का रास्ता थोड़ा सा इतना किलोमीटर है ये तो बहुत दूर है मैडम मेरे को तो नहीं जाना यहाँ पे अरे तो तुम्हें कहां जाना है तुम्हें थप्पड़ खाने जाना है ना मुंह से इतना गुस्सा होता है तुम क्या कर रहे हो भाई तुम्हारी जॉब है ये तुम लोग एक तो फोन करके आज के नया चोच लोग हैं इनका जो पूछ लेगा कि कहां जाना है उसके बाद ये ना बोलेंगे अच्छा मैडम आ रहा हूँ भाई मत बोलो आ रहा हूँ क्योंकि हमारी तो होप्स आए ना क्योंकि उसके अंदर दिखाता है ऐप में दस मिनट आ जाएगा पंद्रह मिनट में आ जाएगा जो भी उनका टाइम ड्यूरेशन होता है हम वेट करते रहते हैं भाई किसी को कहीं जाना तो ऑब्वियसली दे विल भी वेटिंग होता क्या क्योंकि उसने बोला कि वो आ रहा है और उसके बाद पाँच सेकेंड या दस सेकेंड बाद पूरा वो वो, वो ना पूरा टाइम ड्यूरेशन लेगा अगर उसने लिखा ना आठ मिनट तो आठ मिनट बाद जब वो ऐसे घर की लोकेशन कितने अरीब करीब होगा ना कैंसिल कर देते हैं यार तुम्हारा क्या मतलब है या तो तुम पहले ही बोल दो अब लिटरली मैं कॉल करके ना ऐसे बात करती हूं भैया आप आ रहे हो हमें यहां जाना है हाँ जी मैडम मैंने कहा सच बताओ जाना है या नहीं जाना है नहीं जाना तो बता दो क्योंकि कैंसिल कर दो हमें लेट हो रहा है हाँ मैम नहीं जाना कैंसिल कर दो आप ये होता है मुंह पे झूठ हो कि बारिश कर रहे होते हैं ये लोग मतलब छब्स पहले कैंसिल करनी पड़ती है उसके बाद जाके एक आती है और वो भी एक आती है तो क्या सी ना हम लोग पांच लोग थे और यार ठीक है गाड़ी में फिट आ गए मेरे पापा भी पतले हैं ऐसा कुछ नहीं कि बैठने में कोई दिक्कत हो रही थी बट एक ये हाँ बै, वैसे बैठने में पतले हैं लेकिन चोड़ बहुत है, चोड़, चो, है।, चोड़, पूरी है हाँ। चोड़ पूरी है लेकिन पतले हैं लेकिन चोड़ पूरी है हाँ। हाँ चौड़पुरी और पतले वो अब हुए हैं ना वैसे आ, पहले देखता तो तो वो पहले तो बहुत वैसे थे मगर इसको ये आग लोग क्या क्या वाले की आत्मा कर लोग लो तो मैं नहीं लेके जाऊंगा तो नहीं लेके जा। तो लेकर चलाना आ जाएगा हमने बोला भाई चलाना आएगा हम दे देंगे अगर पुलिस रोकेगी ना कि लोग हैं हमने बोला हम दे देंगे हमें लेट हो रहा है ठीक है लिटरली इतना तक बोल दिया उस क्योंकि यार एक्चुअली हमको दस बजे हवन पे पहुँचना था और यहाँ पे एक बज रहा है तू समझना हवन खत्म भाई हवन करेंगे कहाँ करेंगे पहुँचेंगे नहीं तो हवन कैसे करेंगे भैंस की आंख तुम लोग एक बजे से निकलो दस बजे हवन के लिए क्योंकि ग्यारह बजे की कैब ग्यारह बजे से बुक कर रहे हैं कैब नहीं हो रही कैंसल पे कैंसिल कैंसिल पे, बड़ी गाड़ी बुक कर रही है ऐसी होती है वो इस मोहल्ले में अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि ये है मैं क्या बोलूँ हम लोग इसलिए हमारे को इतना टाइम लगे क्योंकि हम बड़ी गाड़ी बुक करे तो बड़ी गाड़ी आई नहीं छोटी बुक करी तो वही हुआ जो हमें लग रहा था करा, पांच लोग तो मैं बिठाऊंगा भैया चलान कटे हम दे देंगे। नहीं, 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 नहीं मेरे तो बहुत बार हो चुका है पुलिस वाले को फोन कर दिया उठा के इसने हेलो मेरी गाड़ी में न पांच लोग बैठ रहे हैं सर मैं क्या करूँ ये बैठी मन कि पीछे से मुंह पे भर के चाटा मारू खींचराम जा देंगे फिर ना चौबीस सच में भाई बहुत सुनना चाहिए थी मेरे को उस टाइम पे एक तो लेट हो रहा है ऊपर हाँ। से मेरे पापा मैं बाइक पे आ जाऊंगा मैं बाइक पे आ जाऊंगा उतर गए कैब से मैंने कहा यार तुमको चिल नहीं है क्या और चुल्ल इतनी ज्यादा तुमको तुमको क्यों करना है ये सब भाई नहीं मैं बाइक पे जाऊंगा कड़कती गर्मी हो रही है इकतालीस डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इतनी गर्मी है, और पीक पे या धूप अगर दो बजे एक बजे दोपहर के तुम्हें पता ही है कह रहा है बवाना तक मैं बाइक पे आ जाऊंगा

हम लोग खड़े हो ये बंदा गया नहीं वहीं का वहीं खड़ा रहा तो हमें लगा भाई या तो ये वेट कर रहा होगा कि शायद हम चार लोग वापस आ जाएँ या जो भी है और हमें लेट भी हो रहा था तो पापा चिल्लाने लगे वापस जाओ वापस जाओ तो साहिल गया उसने बात करी तो उसको सुनाई ऐसा दिया ये पता नहीं उसने क्या बोला तो उसने कहा कि हाँ चलो बैठ जाते वापस आए हम लोग उसमें कहता मैं तो इसलिए खड़ा हूँ पहले मेरे एक सौ इकतालीस रुपये दो जो मैं यहाँ तक आया हूँ मैंने कहा तेरा मुंह पे थप्पड़ थप्पड़ मारू निकले से बहुत देर हो गई तेरे को भाई मैंने कहा तेरे को किस बात के पैसे दे तू तूने हमें उतारा है तूने अपनी ड्यूटी डिनाई करी ऊपर से तूने जबरदस्ती पुलिस वाले को फोन किया तू हमारे घर के सामने से जा भी नहीं रहा अब तू तो कर मुझे पैसा तो मैंने कहा निकलने बता दू बहुत गुस्सा दिला मैं तेरे उसकी मैंने कंप्लेन मारी फिर तो फिर फिर जाकर तो गया भैया फिर दूसरी गाड़ी बुक करी फिर जैसे जैसे पहुंचा पापा बाइक पर ही आए क्योंकि अगेन चार बंदे का ही सीन था बट

पता नहीं कौन से रास्ते से वो बंदा लेके गया और मैं भी कह रही कि इतना लॉन्ग रूट है ही नहीं मैं अपने मैप में भी देख रही हूँ कह रही हूँ भैया इधर से जाना नहीं ये वाला शॉर्टकट है नहीं वो वाला शॉर्टकट है घुमाई जा रहा घुमाई जा रहा सात सौ रुपये का बिल आया मैंने कहा मैंने कहा मैंने कहा आप ले लो पैसे और मैंने कहा आपने जो किया है ना मुझे पता है कि आपने क्या किया मैंने कहा मैं अभी कर रहा कि मैं आपने ऐप आप से रिफंड ले लेना ले ये वो हूँ मेरे को सजेशन दे रहे क्योंकि उसको पता है उसने घपलेबाजी करी है तो उसको पता है कि वो तो कंपनी वाले पैसे वापस करेंगे उसकी तो जेब में पैसा चले गए ना मैं तो पहली बार तो डिनाई ही कर दी कि मैं पैसे दूंगी नहीं नहीं मैंने डिनाई कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगी तो फिर मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया फिर okay. मैंने वहाँ से बातचीत करी एंड देन उन्होंने बोला कि आप रजिस्टर करो अभी इस चीज़ को आप अभी दे दो इनको और हम आपको रिफंड कर देंगे तो मैंने कहा ठीक है जो भी मेरे मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए सो आई डोंट रियली गिव अ शिट तो मैंने उसको दिए और फिर उन्होंने मेरे पैसे रिफंड किए तो मेरे सिर्फ दोस्तों ही कटे बट सेवन कुछ भी है इट्स सो बैड आई कॉन्ट इवन लाइक और फिर पापा को जब हम बोलते गाड़ी ले तो कहते तो गाड़ी अभी तो गाड़ी फिर भी बैक टू हुई भाई, भाई दिलाओ ना गाड़ी कभी दिलाओगे गाड़ी हमने तो आपको बोला भी नहीं चलाने के लिए मेरी बहन ने प्यार से पूछा उसको लगा कि जेनवइन कोई ट्रॉमा या डरवर लगता होगा गाड़ी चलाने से क्या सीना क्या होगा गया कहती पापा आपको डरवर लगता है क्या गाड़ी बड़ी चला हाँ लगता है क्या करेगी नहीं लेनी अब भाई ये क्या बात है भाई तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई ट्रिगर है भाई उनका ट्रिगर पॉइंट है गाड़ी इस मेरे पापा को किसी चीज़ पर गुस्सा नहीं आता मेरे पापा बहुत पेशेंट है पर जैसे ही गाड़ी का नाम लो ना ट्रिगर मैक्स

मानव बताएगा हमारा दोस्त गाइस प्रमोशंस मानव की बहुत अच्छी गाड़ी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी हो भाई मानव बहुत सही है मानव एंड वर्क्स मानव वर्मा मोटर्स बर्मा मोटर्स यस चलो गैस, ये आशी की पूरी पूरी इसने तो पूरा ये थे है। यहाँ पे आओ और बगोरिया काट कर चल जाओ जो, जो मर्जी पक जाओ कोई सुनने This वाला है, दो <laughs> को कौन बोल रहा है किसी से बात हो रही थी मेरी कहती की आई थिंक अपने अपने एडिटर से ही तो बात हो रही थी शायद कह रहे हाँ. अरे आप करते हो ना अपने पॉडकास्ट पे अपनी पर्सनल बातें आके बताने लग जाते हो कि ये हुआ मेरे साथ वो हुआ मेरे साथ ये सब और आप एक दो न्यूज स्टोरी भी डाल देते हो उसके बाद इतना गंदा फील होना है मैंने कहाँ जा रहा है

क्या होगा भाई मैकबुक नहीं है अलाउड आ... <laughs> आ... नहीं है एंट्री विदाउट मैकबुक तेरे को इतना पता ना हो ना खास ले पहले तू नशे कर रखे है ने नशे नहीं कर रखे अब मेरे को पता नहीं वो हो रहा है हो रहा है जब स्प्रिंग आती है तो पोलन नहीं होता ओह माय गॉड दिस इज द मोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम इन द फकिंग नॉट इवन फर्स्ट वर्ल्ड सो सो वाइट It's so It's wide, problem, Please, अपनी ना लेन में वापस <laughs> का लड़का है पोल्यूशन हुआ है घी भी बटर वटर के अंदर ये चुकुंदर डाल के सब कुछ खाया है तू ने तेरे ये पोलन क्या होता है मेरे को ये पता भी नहीं है की जो तू बोल रहे ठीक है तुम लोग यहाँ कुत्तों को कुत्तों के ऊपर बैठ के तो तुमने राइड करी हुई है तब तुम्हें कुछ नहीं होता बकवास कर रहे हो फालतू की पोलन यार, वो में थोड़ा <laughs> बट ना मैं ए, एक मैं जेनुअन एक मेरा लाइफ की कंफ्यूजन है मैं तुमको तो बताता हूँ ठीक है और मेरी जेनुअन लाइफ की कंफ्यूजन है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा और बहुत टाइम समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ प्रो मैं एक साइड पे ना आई वॉन्ट टू बी लाइक प्रॉपर इंडियन दिल्ली वाला बंदा भाई की हिंदी में ही बातचीत हिंदी सब कुछ बोलो हिं, हिंदी वाली जो वाइब है ना मतलब जो वो मैं पूरी वो एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ और अच्छे से उसको पोर्ट्रे भी करना चाहता हूँ कि लाइक आई एम लाइक उस सेंस में

उस टाइप में और एक साइड पे आई वांट कि यू नो भाई मेरे तो दोस्त बाहर भी हैं लाइक आई नो सो मेनी पीपल आउटसाइड और मेरे जितने दोस्त मेरे दिल्ली में थे अब मेरे उतने ही दोस्त बाहर के हैं जो इंग्लिश बोलते हैं तो आई एम लाइक स्टक इन द मिडल वेयर आई डोंट नो विच साइड मतलब वो क्या बोलते हैं उसको इंडिविजुअलिस्टिकली जो मेरी जो पर्सनैलिटी है इस, हाँ वो इट्स बींग स्प्लिट इन टू टू की विच नो

गाली हिंदी में नहीं लेकिन मैं खुद एक हिंदी में जब मैं बोलता हूँ तो आई फील द मोर माई हाँ I feel more, यार, बड़ा हुआ है तू भेन, भेन, तू अपना बोल दे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे से बोलने को तेरे को पछता नहीं है कि शिवम दो चश्मे पॉडकास्ट में कैसे बोल रहे हैं मैं पहले इसको अपने सारे सॉल्यूशंस दे दूंगी जितने लाइफ के हैं कि मेरे को पहले मेरी सुन लो पहले तुम सुनो कि आशीष शर्मा का क्या कहना है शिवम तेरी

तेर को अभी तेरे को हर चीज रिलेटेड कर रही हूं मुझे बोलना है कुछ <laughs> नहीं अभी नहीं बोलना भाई कोई अच्छा। है ना अगर ऐसा तो प्लीज बताओ यार क्योंकि ना आई एम लाइक इट्स इट्स सो आई डोंट नो इट्स शॉर्ट ऑफ अ स्ट्रगल लाइक आई वांट टू बी इंटरनेशनल उस चीज को मैं लेना चाहता हूं ढंग से और उसी डायरेक्शन में जाना चाहता हूं लेकिन आई आल्सो वांट टू बी हिंदी वाली चीज़ की भाई की अपनी मातृभाषा समझ रही है अपनी मातृभाषा और सब कुछ इंग्लिश में बोला तालिये तो बचती रहनी चाहिए इस आदमी के लिए अपनी भाई, मात्र लेट्स गो। भाई अब फक फाकिया मैं हिंदी में बोलू मतलब बोलियो हिंदी में

भाई द्यान द्यान सारे से fast, fast बोलना सिखाया है 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 बंद करवाया है और तू तो ये शुरू हो गया तो तो बिल्कुल नहीं होता मैं को को एक मान कि कि बोल रहा है तो मैंने adjust कर लिया था कि चल ठीक है मैं लूंगी थोड़ा बट ये नहीं हो पाएगा मैं बता रही हूं। मैं बंद करा दूंगी शो मेरे को गुस्सा मत दिला शो <laughs> खोज दूंगी साड़े बता दू तेरे को बस गाइज आई थिंक इसको ना थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है शिम के हो रहे है मूड स्विंग्स तो इसको ना चॉकलेट खाने की जरूरत है थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है तू अपना चिल मार एंड चिल मार यही मेरा सोल्यूशन है क्योंकि और तुझे कोई सोल्यूशन दूंगी भी तो तू यूज तो करता नहीं है वो तो छोड़ तू तू एक काम कर तू अपना यू डू यू बू बस ये मेरा सोल्यूशन है तेरे लिए <laughs> And I hope guys, आपको ज़्यादा आए। ये वीडियो में बहुत है अगर है है ना तुम्हारे उसमें तो मेरा शायद नहीं बोल बोल दे दे वैसे अगर तुम लोग अभी तक सुन रहे हो ना ब्रो एक तो यार मेरी तरफ से एक हक ले लो यार तुम लोग थैंक यू यार मतलब तुमने एंड तक ये बुक छोड़ है मतलब यार इंग्लिश वाला किया ये तूने हिंदी वाला, किया भाई तू तो मैंने, इंग्लिश <laughs> वाला हक किया कि भाई यार तुम्हें एक एक गले मिल लो यार एक बार मेरे से यार तुम यार तू कितने अच्छे हो यार तुम लोग इतने एंड तक आए हो तुमने पूरा सुना है मतलब तुमको पता है ना हम लोग मतलब यार हम लोग समझ लो कि मैंने तुमको वो भी बता दिया कि यार ये मार्केट करती है ऐसे करके हम तो देखो कितने रिलेटेबल है ये वो

पे ना, spotify पे ना उन लोगों ने क्या कर रहा है? अब रेटिंग सिस्टम डाल दिया तो अगर आप spotify पे सुनते हो तो प्लीज जाके रेट कर दो तो, फाइव स्टार गाइज प्लीज

क्योंकि हम तो बकाती करते रहते हैं तो मत छीनो हमसे इतना सारा प्यार हमें देते रहो बनाते रहो बरसाते रहो जय माता दी लेट्स रॉक दो चश्मिश पॉडकास्ट बाय बाय वी विल सी यू नेक्स्ट वीक दो चश्मिश पॉडकास्ट